तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे प्रूफ देखो, उसके बाद ही आप लोगों को इस वीडियो को देखना है, क्योंकि यहाँ सबसे पहले आप लोग प्रूफ देखोगे तो आप लोगों को भी यकीन हो जाएगा। यहाँ पे देखो, मैंने पर्सनल लोन अप्लाई किया था, यहाँ 5,000 का लोन मैंने अप्लाई किया था, लेकिन मुझे यहाँ जो पैसा रिसीव हुआ है 4910 रुपया यहाँ रिसीव हुआ, मतलब कि टोटल हमारा यहाँ GST प्लस प्रोसेसिंग फी 90 रुपीज के आसपास यहाँ पे आपका भी कटेगा। आपका ये 10 रुपया ऊपर या नीचे हो सकता है, ये इतना नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, वो आपके सिविल पे डिपेंड है। तो यहाँ पे देख रहे हो हमारा 4910 रुपया यहाँ पैसा रिसीव हो चुका है। आप लोग टाइम डेट सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे देखोगे कोई भी एडिटिंग नहीं है। इस पे टैप करता हूँ और यहाँ पे सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोग भी एक ऐसा एप्लीकेशन ढूंढ रहे हो, आपने कई सारा वीडियो देख लिया, यूट्यूब पे आप लोग सर्च करोगे बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका अभी तक काम नहीं हुआ है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। 100% वर्किंग प्रोसेस और वर्किंग एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप लोग आसानी से यहाँ 5,000 रुपये तक का लोन प्राप्त कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, काफ़ी लोग करते क्या है, कुछ गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है। अब कई लोग यहाँ अपना रिपेमेंट नहीं किए होंगे, या फिर उनका सिविल डाउन हुआ होगा, उनको भी एक तरीका बताने वाला हूँ। तो उस ट्रिक को आपको समझना है, उसके बाद लोन को अप्लाई करना है। 100% इस एप्लीकेशन से अप्रूवल आप लोग ले पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सारा प्रोसेस यहाँ पे लाइव जानते हैं, और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से लोन अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, एज एलिजिबिलिटी क्या है और सही प्रोसेस क्या है, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे लाइव जानते हैं। अब वीडियो को स्टार्ट करें और आगे का प्रोसेस जानें, उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बगल में आपको बेल आइकन देखने को मिल जाएगा, इस पे टैप करके इसको ऑल पे सेट कर देना। इन फ्यूचर कोई भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। इतना काम आपको कर लेना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्ले स्टोर में और एप्लीकेशन को यहाँ से करते हैं इंस्टॉल। तो अभी सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो जो ऐप का यहाँ पे रेटिंग आप लोग देख सकते हो, 73,000 लोगों ने इसको रिव्यू किया है और 4.5 स्टार इस एप्लीकेशन को मिला हुआ है। ऐप देखोगे 3.7 MB का सिर्फ एप्लीकेशन है, और यहाँ पे देखोगे तो 1 मिलियन से ज़्यादा इस एप्लीकेशन का डाउनलोड है। रेट भी देखोगे 3 से ज़्यादा यहाँ आपको मिल जाता है। इस एप्लीकेशन में आपको म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और साथ ही साथ यहाँ देखोगे तो लोन्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिसमें कि आपको 3500 से 4 लाख रुपये तक आपको लोन मिल जाएगा। अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग जानने वाले हैं 5,000 रुपये का लोन कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से ऐप को कर लेते हैं इंस्टॉल, और जब तक हमारा ऐप होता है इंस्टॉल, हम लोग तब तक यहाँ सबसे पहले जान लेते हैं कितना हमें इंटरेस्ट रेट लगेगा, कितना EMI बनेगा, सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो अभी सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो आपका लोन अमाउंट रहेगा 5,000 रुपये का, इंटरेस्ट रेट आपका जो यहाँ ईयरली आएगा 22% का आएगा, मतलब 2% से भी आपका यहाँ पे मंथली कम हो जाता है। हाँ, अगर आपका सिबिल काफ़ी ज़्यादा डाउन है तो ये थोड़ा सा इंक्रीज आपका हो जाएगा। लोन का जो टेन्योर आपको मिल जाएगा, मतलब EMI आप लोग पेड कर सकते हो, वो 12 महीने या 1 साल, यानी 1 साल में कर सकते हो। अब आपका लोन अमाउंट हो जाएगा 5,000 बाय, और यहाँ देखो कि 12%। अब आपका जो मंथली EMI बनेगा 468 रुपये का बनेगा, और यहाँ पे देखोगे टोटल जो आपका इंटरेस्ट लग जाएगा 616 रुपये, मतलब 1 साल में आपको 5,000 का 5,616 रुपये और 90 रुपये वहाँ से, मतलब कि 706 रुपये आपको टोटल एक्स्ट्रा यहाँ से देना पड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो सारा ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो 2024 में आप लोग जो अमाउंट पेड करोगे वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, साथ ही यहाँ आपको मिल जाता है जो अमाउंट आप लोग 2025 में पेड करोगे। तो आप लोगों ने सारा कुछ यहाँ पे देख लिया। अभी सबसे पहले हम लोग प्ले स्टोर में चलते हैं और ऐप को करते हैं ओपन और करते हैं सारा प्रोसेस यहाँ लाइव, और आपको यहाँ पे बताते हैं किस तरीके से लोन को करना है अप्लाई। जैसे ही आप लोग ऐप को ओपन करोगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा, वेलकम सिलेक्ट योर लैंग्वेज। तो आप लोग हिंदी, इंग्लिश, मराठी या फिर अदर लैंग्वेज, इन सब में से कोई भी आपका लैंग्वेज है तो वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ इंग्लिश के साथ। अगर आप लोगों को हिंदी, मराठी या अदर इन तीनों में से कोई लैंग्वेज सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अभी करेंगे कंटिन्यू। अब जैसे ही कंटिन्यू करेंगे यहाँ से अलाउ कर देना है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ से कुछ परमिशन है जो कि देना होगा। बी नीड फ्यू परमिशन एलिजिबिलिटी नोटिफिकेशन पर्पज टू गिव एक्सेस
टू आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस का ऑप्शन आ जाएगा। कैमरा, ई केवाईसी के लिए, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो आप लोग चाहो तो इसको रीड भी कर सकते हो। स्टोरेज का परमिशन लिया जाएगा, वो भी केवाईसी का ही ऑप्शन आ रहा है। लैंडिंग पार्टनर, ये सब आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। लोकेशन का परमिशन, और यहाँ पे देखोगे तो आपको फोन का परमिशन, जिसमें आप लोग इंस्टॉल ऐप, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब सारा कुछ आपको यहाँ पे अपना डाटा देना होगा। अब यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी एंड पॉलिसी आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो यहाँ से दोनों को टिक कर लोगे, सबसे पहले इसको टिक करोगे और यहाँ से आपको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे कर देना है टैप। अब जैसे ही टैप करेंगे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, फाइनेंशियल प्रोडक्ट फॉर ऑल योर नीड्स। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे लोन हो जाएगा, इंश्योरेंस हो जाएगा एंड मोर का ऑप्शन, और यहाँ देखोगे बाय क्लिकिंग योर एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन साइन इन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप साइन इन विथ गूगल करोगे, अब जैसे ही इस पे टैप करोगे लोडिंग लेगा, एक नया पेज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जो भी जीमेल आपने अपने फोन में लॉग इन कर रखा होगा सारा यहाँ शो कर देगा। तो किसी एक को आपको यहाँ से कर लेना है सिलेक्ट। तो अगर आपने एक या एक से ज्यादा डाल रखा है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से जल्दी से हम लोग एक सिलेक्ट कर ले रहे हैं, तो आपको जो भी सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लोगे। अब जैसे ही सिलेक्ट करोगे साइन इन विथ गूगल हो जाएगा और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही सिलेक्ट करोगे यहाँ से आपका नाम पूछा जाएगा, जो भी आपके पैन कार्ड पे नाम रहेगा वो यहाँ से फिल कर देना है। तो रजनीश हमारा रहेगा, और यहाँ से फुल नेम बोल रहा है तो पूरा नाम डालना है। कई सारे एप्लीकेशन में आपको होता क्या है, यहाँ से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे देखोगे आपका फुल नेम मांगा जा रहा है, फुल नेम डाल देंगे। अब यहाँ से आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, तो जो भी मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है वो यहाँ से डाल दोगे। अब यहाँ वी विल सेंड यू एन वन टाइम पासवर्ड, यानी ओटीपी आपको मिल जाएगा, कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ से आप लोग अगर WhatsApp पे नोटिफिकेशन लेना चाहते हो तो इसको टिक कर दोगे और यहाँ से प्रोसेड करोगे, अगर नहीं चाहते हो तो इसको अनटिक कर दोगे, लेकिन आपको आगे परमिशन देना होगा, प्रोसेड ही कर देते हैं। अब जैसे ही प्रोसेड करेंगे आपके नंबर पे एक OTP आएगा, और यहाँ 30 सेकेंड का मैक्सिमम टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो हमारा OTP आ चुका है। अब इसको फिल करके नेक्स्ट करोगे। अब जैसे ही नेक्स्ट करोगे कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन लेगा लोडिंग। अब यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। तो अब जो आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सबसे पहले यहाँ से देखोगे लोन, बिल, इंश्योरेंस, इन्वेस्ट हो जाएगा, सेविंग अकाउंट, टैक्स फिलिंग, ई गोल्ड का ऑप्शन आ जाएगा। लोन वाले ऑप्शन पे टैप कर देंगे। अब जैसे ही टैप करेंगे यहाँ से प्लीज वेट का ऑप्शन आ जाएगा और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे ज्यादा कुछ करना नहीं है, सबसे पहले तो आपको यहाँ से अपना पैन कार्ड डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना है, जो भी आपके पैन कार्ड पे रहेगा वो यहाँ से डालोगे, और यहाँ से अपना पिन कोड डाल दोगे। अब यहाँ से पिन कोड डालते हुए आपको यहाँ पे एक ट्रिक यूज करना है। ट्रिक क्या यूज करना है, आपके आसपास जो भी सिटी है उसका पिन कोड दोगे तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, और अगर आप लोग सिटी में ही रहते हो तो वही सेम डाल देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट करोगे, अब आपको यहाँ से बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ से लोन ऑफर मिल जाता है। लोन ऑफर मिलता है उसको आप लोग यहाँ से इवेलुएट जैसे ही कर लेगा, आप लोग उसको सिलेक्ट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। मान लो आपको 50,000 का मिला तो उसमें से 5,000 भी आप लोग ले सकते हो, उसको सिलेक्ट करोगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पे डिटेल डाल देना होगा। डिटेल क्या डालना है, सबसे पहले पैन कार्ड, आधार कार्ड, डिजी लॉकर से वेरीफाई करना है, एक सेल्फी आपको दे देना है, बस इतना ही करना है। उसके बाद बैंक अकाउंट वेरीफाई कर लोगे। अब बैंक अकाउंट वेरीफाई करोगे उसी से आपका EMI भी कटेगा, तो डेबिट कार्ड भी होना चाहिए, डेबिट कार्ड से इमीडिएट सेट कर लोगे और यहां से आप लोग उसी अकाउंट पे अपना पैसा डिस्बर्सल कर पाओगे। तो यही प्रोसेस रहने वाला है, इजी प्रोसेस है, ज्यादा कुछ दिक्कत होगा नहीं, आप लोग इस एप्लीकेशन से आसानी से लोन ले सकते हो।